बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं थर्मोडाइनमिक्स के तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें ये दे रखा है वी आर गिवन अ पीवी ग्राफ ओके फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द ग्राफ हमें दे रखा है ये फाइव है ये फिफ्टीन है ये टू है और ये सिक्स है बच्चों ए बी सी प्रेशर हमें दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वॉल्यूम हमें दे रखी है मीटर क्यूब में हमें कहा गया है ए से सी जाने के दो तरीके हैं या तो ए टू सी डायरेक्टली या फिर ए से बी एन बी एन सी क्लियर है गाइस या तो ए से सी से डायरेक्टली जाओ या ए से बी जाओ और बी से सी जाओ ओके गाइस गुड अब हमें कहा गया है क्वेश्चन में वी आर गिवन एनर्जी ऑफ गैस यहां पे आइडियल गैस दे रखा है मैं, मैं लिख देता हूं वी आर गिवन आइडियल गैस ठीक है बच्चों, दिस इज आइडियल गैस का एक्सपेंशन हमें कहा गया है इंटरनल एनर्जी एट ए इज टें और हमें पूछा गया है इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा स्टेट सी में इंटरनल एनर्जी क्या होगी अगर हीट सप्लाइड मैं लिख देता हूं पहले स्टेटमेंट ही लिख देता हूं हीट सप्लाइड To change state from A to C, A से C जा रहे हैं directly. A से C जा रहे हैं directly. इसके लिए हमें heat supplied कितनी दे रखी है बच्चों 200 हंड्रेड जूल और क्योंकि हीट सप्लाइड है तो वो पॉजिटिव होगा ऑब्वियस सी बात है हाँ ना बच्चों हीट सप्लाइड इज टू हंड्रेड वी आर गिवन दैट हमें पूछा गया व्हाट इज इंटरनल एनर्जी एट स्टेट सी तो बच्चों अगर हम इस ए सी की बात करें किस ए सी की इस डायरेक्टली ए टू सी की बात करें तो क्या हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्यू प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू राइट डेल्टा यू हम किसके लिए ले रहे हैं एसी के लिए क्यू ए सी अब क्यू ए सी हमें दे रखा है ए से सी जाने के लिए दिस इज गिवन टू अस एज टू हंड्रेड यू डेल्टा यू ए सी कैन बी रिटन एज यू ऑफ सी माइनस यू ऑफ ए यू ऑफ ए हमें दे रखा है कितना बच्चों टेन जूल यू एफ सी निकालने के लिए हमें वर्क डन चाहिए वेन गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी डब्ल्यू ए सी चाहिए कैसे निकालोगे गाय बच्चो कर्व को देखो कर्व हमें दे रखा है पी वर्सेज वी का पी वर्सेज वी का हमें कर्व दे रखा है तो डू यू रियलाइज पी वर्सेज वी कर के अंदर वर्क डन इज नथिंग बट द एरिया अंडर पीवी कर याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों वर्ड कैन बी एड एरिया अंडर पीवी कर अब ए सी सी जाने में व्हाट इज द एरिया अंडर पीवी कर डू यू रियलाइज ए सी सी जाने में एरिया अंडर पीवी वी कर इज एक्चुअली दिस ए सी सी गया दिस इज द एरिया अंडर पीवी का ए सी सी जाने में तो वर्क डन हमारा क्या इट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम तो वर्क डन विल बी आफ इन टू वन सेकेंड गाय फाइव प्लस फिफ्टीन इंटू दिस दिस इज गोइंग टू बी सिक्स माइनस टू एक और चीज गाइस, डू यू का नॉट ये है? हा है ना मतलब वॉल्यूम हमारी टू से सिक्स जा रही है इट इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन तो वर्क डन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज जो मैंने अभी बताया तो वर्क डन जो आएगा दैट इज गोना बी नेगेटिव क्लियर है और दिस वाज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वॉल्यूम वाज इन मीटर ये ये जो आंसर आएगा ये जूल में ही आएगा हा और हमें क्यू ए सी पता है ऑलरेडी गिवन टू अस इन क्वेश्चन टू हंड्रेड डन इन ए टू सी मैंने निकाल लिया डेल्टा यू इन ए टू सी इज यू ऑफ सी माइनस यू ऑफ ए यू ऑफ़ हमें दे रखा है इंटर एंजी ऑफ स्टेट ए दे रखा है इंटर एंजी ऑफ स्टेट सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों बेसिकली यू विल गेट द आंसर कोई डाउट किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में ओके लेटस टेक सेकंड पार्ट हमें कहा गया है फाइंड क्यू या मैं स्टेटमेंट लिखता हूं जरूरी बैटर है हीट सप्लाईड हीट सप्लाइड फॉर ए टू बी हीट सप्लाइड फॉर ए टू बी एफ डेल्टा यू फॉर ए टू बी इज टेनजूल ठीक है बच्चों ये मैं क्या रखा है हमें क्यू निकालना है ए बी के लिए इफ डेल्टा यू ए बी इज टेन जूल हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू ए बी के लिए ले रहे हैं और गाइस डेल्टा यू ए बी तो हमें दे ही रखा है दिस इज गिवन टू अस एज टेन हमें चाहिए क्यू फॉर ए बी तो वर्ड अन ए बी क्या होगा वर्डन इन ए टू बी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस का इसकी बात करें ड्यूरलाइज दिस इज अरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज फिक्स हा ना अगर आइसो कोरिक प्रोसेस है तो ड्यूलाइज दिस इज गोइंग टू बी जीरो हमें ऑलरेडी दे रखा है टेन जूज तो यहां से ए भी आ जाएगा बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये हमारा वर्क डन एवी वॉज इंपॉर्टेंट दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस ऑफ डन इज जीरो बच्चों क्लियर हो गई ये चीज गाइज लेट अस डू अनदर क्वेश्चन हमें कहा गया है अगेन वी आर गिवन अ पीवी कर ए बी बी सी ये हमें दे रखा है ठीक है बच्चों हमें कहा गया है हम गए ए सी बी क्या लॉन्ग मैं वर्ड डन मैं एक बार पूरा स्टेटमेंट ले देता हूँ ए सी बी क्या लॉन्ग गए ए सी बी क्या लॉन्ग गए हम हमें कहा गया है सिस्टम डज जूल वर्क एंड जूल हीट क्लोज इनटू सिस्टम क्लियर है गाइस ये मैं चीज दे रखी दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस एक काम करें इसको लिख देते हैं सिस्टम इज डूइंग डूइंग वर्क वर्क सिस्टम इज तो डू रियलाइज जो वर्क डन होगा एसीबी में दैट इज गोइंग टू बी माइनस थर्टी हा है ना कि सिस्टम इज डूइंग वर्क तो हमारा इट इज माइनस थर्टी एंड हीट फ्लोज इन टू सिस्टम हीट इज टेकन अपम तो क्यू ए सी बी क्या आएगा बच्चों इट इज ग्लस ए टी जू ये हमें दे रखा है क्वेश्चन अब हमें कहा गया है वॉट इज दी बी अगर हम एडीबी के अलॉन्ग जाए देन वॉट इज क्यू फॉर एडीबी क्या होगा क्यू फॉर एडीबी क्या होगा मैं इधर लिखता हूं क्यू फॉर एडीबी क्या होगा अगर वर्क डन इन एडीबी इज टें वर्क डन बाय सिस्टम इज टैंजूल हमें लिखा हुआ है बाय सिस्टम है वर्क इज डन बाय सिस्टम तो ऑब्वियसली बात है जो टेन जूल है माइनस टेन आने वाला है कि वर्क इज डन बाय सिस्टम क्लियर है गाइस बच्चों ये हमारा पहला पार्ट है दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि क्यू एडीबी क्या होगा अगर वर्क डन इन एडीबी इज माइनस टेन की वर्क इज डन बाय सिस्टम तो बच्चों देखो यार इस इंफॉर्मेशन से हमें क्यू दे रखा है डब्ल्यू दे रखा है डेल्टा यू फॉर ए सी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते डेल्टा यू फॉर ए सी बी इट विल क्यू प्लस डब्ल्यू कितना आएगा बच्चों एट्टी माइनस थर्टी विच इज फिफ्टी ये चीज समझ में आई नहीं गाइस अब ये है डेल्टा यू फॉर ए सी बी लेकिन डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है हाँ है ना एसी बी से उन्होंने कहा कि डेल्टा यू कितना है बच्चों फिफ्टी मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं इट इज यू ऑफ सेकेंड यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए डेल्टा यू ए सी बी कैन बी रेटन एज स्टेट फाइनली माइनस स्टेट इनिशियली अब तुम ए सी बी के अलॉन्ग जाओ या एडीबी के अलोंग जाओ डू यू रियलाइज नॉट तुम ए सी बी के अलोंग जाओ या ए डी बी के अलोंग जाओ डेल्टा यू विल बी सेम क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट एज वेल एज द फाइनल स्टेट हा है ना इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन तो हम कहेंगे ये जो हमारा फिफ्टी जूल है इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज यू फॉर ए डी बी एडीबी में भी जो तुम्हारा डेल्टा यू आएगा वो फिफ्टी ही आएगा एंड दिस इज क्यू ऑफ एडीबी प्लस डब्ल्यू ऑफ एडीबी अब डब्ल्यू ए का हमें दे रखा है क्यू ए आ जाएगा समझ में आया नहीं आया बच्चों ये हमारा कितना था दिस वॉज फिफ्टी दिस इज माइनस टेन तो क्यू ए डी बी आ जाएगा हमारा 60 जो क्लियर हुआ या नहीं हुआ न्यूआज यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि डेल्टा यू चाहे तुम ए सी बी के अला जाओ या ए डी बी के अलांग जाओ इट डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट एज वेल एज द फाइनल स्टेट और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकर क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों क्लियर हो गया नेक्स्ट बी पार्ट हम अब बी से ए जा रहे हैं पाथ के कैलॉ बी से ए जा रहे हैं पाथ के कैलॉ बी टू ए जा रहे हैं along curved path. ठीक है यहां पे लिखा है वर्क डन ऑन सिस्टम हम बी ए दे रखा है एंड वी आर गिवन वर्क डन ऑन सिस्टम इज हाउ मच ट्वेंटी जूल ऑन सिस्टम का मतलब हो गया वर्क डन हमारा पॉजिटिव है तो प्लस ट्वेंटी जू हमें कहा गया है क्यू कितना होगा अब गाइस देखो वी नो क्यू बी ए बी से ए जा रहे हैं प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू डेल्टा यू बी ए ना क्लियर है गाइस वर्ड ऑन बी ए में हमें दे रखा है प्लस ट्वेंटी डेल्टा यू बी ए क्या हुआ डू यू रिलाइज नॉट बच्चों दिस इज गोइंग टू बी माइनस डेल्टा यू ए बी होगा नहीं होगा इट बी माइनस डेल्टा यू ए बी भाई डेल्टा यू बी ए इज यू ऑफ ए माइनस यू ऑफ बी एंड ए बी वॉज यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए अब ए बी का तो हमने कहीं लिया था ए बी कितना था गाय हमारा ए बी वॉज हाउ मच फिफ्टी तुम्हें याद होगा मैंने बताया था चाहे तुम सी के लॉन्ग होते हुए जाओ या डी के लॉन्ग होते हुए जाओ डेल्टा यू इज सेम तो हमारा डेल्टा यू कितना था गाइस हमें ने कितना दे रखा था वी आर गिवन द वैल्यू वाज फिफ्टी तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज गोइंग टू बी माइनस फिफ्टी हाँ या ना गाइस जब ए से बी गए तुम, तो हम तो डेल्टा यू प्लस फिफ्टी अब बी से ए जाओगे तो डेल्टा यू विल बी माइनस फिफ्टी हाँ या ना गाय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों ये चीज क्लियर हो गई तो क्यू बी ए कितना आने वाला है इट इज टू बी माइनस जूल समझ गए क्लियर है और माइनस 70 का मतलब क्या है हीट विल बी रिलीज बाय सिस्टम नेगेटिव मीन्स हीट विल बी रिलीज बाय सिस्टम अब आते हैं थर्ड पार्ट पे बच्चों हमें कहा गया है यू ऑफ डी माइनस यू ऑफ ए

इन एडीबी इज हाउ मच वर्कडन बाय सिस्टम हमें दे रखा है वर्क डन बाय सिस्टम इन एडीबी इज टेन जू तो हम कहेंगे नहीं इट इज माइनस टेन क्यू वर्क इज डन बाय सिस्टम क्वेश्चन को देखोगा एडीबी एडीबी में हमें एडी का डेल्टा यू दे रखा है ए से जब डी गए तो डेल्टा यू कितना है बच्चों फोर्टी क्लियर है गाइस और वर्क डन इन ए डी बी कितना दे रखा है बच्चों टेन जूल अब जो वर्क डन इन ए डी बी है मैं इसको लिख देता हूं वर्क डन इन ए डी प्लस वर्क डन इन डी बी ये टोटल है माइनस टेन एंड डू यू रियलाइज नॉट डी बी इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब वर्क डन इन डी बी इज एक्चुअली जीरो क्लियर हुआ है नहीं वायर दिस इज जीरो फाइन अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज क्यू इन एडी एंड क्यू इन डीबी ये हमें पूछा गया है गाइस एडी में क्यू क्या है और डी बी में क्यू क्या है तो बच्चों लेट अस सी हाउ टू डू दिस एडी एडी पे आते हैं लेट्स ऑन टू एडी हम कहेंगे Q इन लेट अस राइट दिस डाउन एज क्यू ए डी प्लस डब्ल्यू ए डी इज इक्वल टू डेल्टा U ए डी है ना बच्चों हमें डेल्टा यू ए डी का दे रखा है फोर्टी का है दे रखा है नहीं दे रखा है बच्चों डेल्टा यू इन एडी इज फोर्टी और वर्क डन इन एडी हमें ऑलरेडी अभी हमने निकाला था कितना है बच्चों माइनस टेन तो क्यू एडी में कितना आएगा बच्चों क्यू इन द प्रोसेस एडी विल बीवल टू फिफ्टी जो आई होप दिस इज क्लियर डू क्लियर होता जा रहा है नहीं होता जा रहा है बच्चों अब हमें नेक्स्ट में पूछा गया है क्यू इन डी बी तो हम क्या लिखेंगे guys

ज अ आइसो कोरिक प्रोसेस ठीक है ना बच्चो क्लियर है या नहीं ये चीज गुड अब हमें डेल्टा यू डी बी चाहिए डेल्टा यू क्या चाहिए डी बी तो बच्चो ध्यान से देखो हमें ए से डी जाने का डेल्टा यू कितना दे रखा है ए से डी जाने का डेल्टा यू ऑज फोर्टी ये दिख रहा है गाइस क्लियर है यहां तक डेल्टा यू ए डी इज गिवन टू एस एस ए से डी जाने का डेल्टा यू कितना दे रखा है फोर्टी और ए डी बी का कितना है बी का डेल्टा यू वो हमारा कितना था बी वन सेकेंड बच्चों ए डी बी वॉज फिफ्टी क्लियर है डेल्टा यू ए डी बी वॉज कितना था बच्चों मैं एक बार फिर से देख लेता हूं डेल्टा यू ए डी बी वॉज फिफ्टी ये देखो डेल्टा यू ए डी बी वॉज फिफ्टी एंड डेल्टा यू AD was 40. तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू ए डी बी इज डेल्टा यू ए डी प्लस डेल्टा यू डी बी ये फिफ्टी दे रखा है ये फोर्टी दे रखा है तो डेल्टा यू डी बी क्या आएगा बच्चों इज टू बी टेन जू ये हमारा क्या होगा बच्चों टेन जूल यहां से क्यू डी बी क्या जाएगा प्लस टेन जूल क्लियर और नॉट गाइस समझ में आया नहीं आया गाइस दिस वाज इंपॉर्टेंट समझना मतलब इस क्वेश्चन से काफी चीजें क्लियर होती है अबाउट कर्स हाउ डू यूज दम क्लियर है का समझ में आया नहीं आया थर्ड को मैं फिर से बताता हूं हमें ए से डी जाने का डेल्टा यू दे रखा था क्वेश्चन में सी पार्टमेंट वॉज गिवन टू अस एज फोर्टी और हमें लेडस से जो ए डी भी था उसका हमने डेल्टा यू दे रखा था हमें ए पार्ट में डेल्टा यू ए डी बी या ए सी बी डर क्योंकि इट स्टेट फंक्शन डेल्टा यू हमने देखा था ए डी बी का इट वॉज फिफ्टी जू गए फिर डी से बी गए ए से डी गए डी से बी गए ये पूरी वैल्यू दे रखी थी फिफ्टी जूल मतलब डेल्टा यू बी डी इज एक्चुअली टेन जूल और बी डी में क्योंकि वर्क डन इज जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्यू फॉर डी से बी जाना बेसिकली क्यू फॉर डी टू बी इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेन जू डेल्टा यू के बराबर ही आएगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है समझ में आया या नहीं आया बच्चों इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी नाउ गड ग्रेट लेटस गो ऑन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कहा देखो क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड ये सारा मैंने मिटा दिया था ना जो ग्रीन से था हाँ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमें आ गया है वन मोल आइडियल डायटोमिक गैस ये ओके okay गाइस उसको हमने हीट किया इज हीटेड फ्रॉम स्टेट वन जिसमें वॉल्यूम इज टेन लीटर टेम्परेचर इज फाइव हंड्रेड टू स्टेट टू जिसमें वॉल्यूम इज ट्वेंटी लीटर टेम्परेचर इज एट हंड्रेड ठीक है गाइस अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर अ टू बार फाइंड क्यू जूल ये क्वेश्चन दे रखा है गाइस ठीक है बच्चों, गैस एक तो याद रखना जब भी तुम्हें गैस बता रखी है या तो गैस बता रखा है जैसे हीलियम ओ टू है सीओ टू है गेटिंग द आइडिया या तो गैस बता रखा है कौन सी है या गैस के बारे में वैसे बता रखा है कि मोनोअटोमिक है डाय पोलियोटॉमिक है, है ये बता रखा है तो यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ सीपी या सीवी क्लियर और नॉट गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई अगर तुम्हें गैस का यू आर स्पेसिफाइड द गैस और यू आर टोल्ड के डायऑटोमिक मोनोटॉमिक है है यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ सीवी एंड सी पी क्लियर है गाइस अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है? हम कहेंगे गाइस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है ओके अगेंस्ट अगेंस्ट का मतलब है ये जो प्रेशर दे रखा है ये अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है यहां पे अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ टू बार दे रखा है वी कैन से अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ बार अगेंस्ट टर्म इज चैलिंग प्रेशर गिवन इज एक्सटर्नल प्रेशर तो प्रेशर एक्सटर्नल कितना है बच्चों टू बार क्लियर है गाईस? अब हमें Q पूछा गया कैन वी राइट दिस डाउन एज Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों हमें Q निकालना है फॉर्मुला हाँ, Q प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू अब डेल्टा U को क्या लिखा जा सकता है एन सी वी डेल्टा टी हमें डायटोमिक गैस पकड़ा रखी है मतलब हमें Cv की वैल्यू पता है क्या होगा बच्चों सीवी फाइव बाई टू आर एनबीए में दे रखा है दे रखा है वन मोल दे रखा है तो विल वन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी डेल्टा टी हमें दोनों टेम्परेचर दे रखे इनिशियल एंड फाइनल इल बी एट हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड और ये हमारा आंसर किसमें देगा बच्चों जूल में अब डब्लू निकालोगे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है वर्क डन का फॉर्मुला इज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी हाँ है ना बच्चों प्रेशर एक्सटर्नल कितना दे रखा है टू बार और डेल्टा वी हमें क्या दे रखा है बच्चों टेन से ट्वेंटी जा रहा है तो ट्वेंटी माइनस टेन एक चीज और बच्चों प्रेशर बार में था वॉल्यूम लीटर में थी हाँ है ना तो ये जो आंसर दे रहा है बार लीटर में दे रहा है हमें चाहिए जूल में तो यू मस्ट रिमेंबर वन बार लीटर इज हंड्रेड जूल तो इन टू हंड्रेड और कर दो डेल्टा यू पता है डब्ल्यू पता है क्यू आ जाएगा समझ में आया आया नहीं आया बच्चों क्लियर है गाइस डन निकाल चुके डेल्टा यू निकाल चुके इस फॉर्मूले में डाल देते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू में यहां से हमारा आ जाएगा क्वेश्चन क्लियर गुड फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कहा गया है फाइन डेल्टा एंथेलपी चेंज निकालो वो भी कैलरी में ओके फॉर वन मोल ऑफ आइडियल डायाटॉमिक गैस आइडियल डायटोमिक गैस जिसका स्टेट चेंज हुआ वन स्टेट वन जो कि था टू एटमोसफियर थ्री हंड्रेड कैलविन से स्टेट टू जो कि है तुम्हारा थ्री एटमोसफियर ओके गाइस व्हाट इज डेल्टा एच फॉर दिस तो बच्चों देखो हमें गैस ऑलरेडी स्पेसिफाइड है डायाटॉमिक गैस ठीक है ना बच्चों वी आर स्पेसिफाइड डायाटोमिक गैस मतलब सीपीसीवी हमें ऑलरेडी पता है हा है ना बच्चों यहां पे सीपी क्या आने वाला है हमारा सेवन बाय टू आर तो डेल्टा एच को इजीली निकाला जा सकता है एन सीपी डेल्टा टी एन वन हो गया सीपी सेवन बाय टू आर हो गया और डेल्टा टी विल भी थ्री सिक्सटी माइनस थ्री हंड्रेड आर की वैल्यू तुम कैल्यू वाली उठा लो आंसर तुम्हारा कैलरी में आ जाएगा है ना बच्चों क्लियर और नॉट आर वैल्यू कैलरी वाली उठा लो टू यू विल गेट द आंसर इन कैलरी बच्चों नहीं समझे गाय क्लियर हो गई ये चीज गुड लेट गॉन्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव बच्चों देखो हमें कहा गया है वन मोल आइडियल मोनो मोनोअटोमिक गैस है मोनो ऑटोमिक गैस है ओके okay? मतलब सीपीसीबी हमें पता है जस्ट इन केस वी आर रिक्वायर्ड के लिए तो हमें पता है मोनो मोनोटॉमिक गैस अंडरगोज एक्सपेंशन इट अंडरगोज एक्सपेंशन स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑन पी वी कर यह कुछ इंपॉर्टेंट है मतलब हमें कर बनाना पड़ेगा ठीक है ना बच्चो फ्रॉम फ्रॉम स्ट्रेट वन स्टेट वन क्या है बच्चों थ्री लीटर एड एटमोसफियर टू स्टेट टू जो कि हमें दे रखा है सेवन पॉइंट फाइव लीटर टू एटमोसफियर फाइंड क्यू फाइंड क्यू इन लीटर एटमोसफियर बच्चे एक काम करें वन सेकेंड का बनाए थे पीवी वी कर देट विल बी काइंड ऑफ हेल्पफुल पी वी इनिशियल स्टेट क्या है वॉल्यूम थ्री प्रेशर एट वॉल्यूम थ्री प्रेशर एट फाइनली हो गया वॉल्यूम सेवन पॉइंट फाइव प्रेशर टू इस टाइप का कर्व जा रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है, दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है। थ्री लीटर से सेवेन पॉइंट फाइव लीटर पहुंच गया। हाय ना बच्चों, ये हमारा एट है, ये हमारा थ्री है, ये हमारा सेवेन पॉइंट फाइव है, ये हमारा टू है। समझे नहीं समझे गाइस? अब हमें स्टेट वन से स्टेट टू गया हमें इसके लिए क्या पूछा गया गाइस क्यू क्या हम लिख सकते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू है ना लिख सकते नहीं लिख सकते गाइस क्लियर है यहां तक कोई डाउट ओके okay. अब गाइस वन से टू जा रहा है स्ट्रेट लाइन कर्व है वर्क डन क्या होगा वर्क डन विल बी एरिया अंडर द पीवी कर्व गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक पीवी कर्व चाहिए पीवी कर्व के अंडर जो एरिया होता है दैट इज डन क्लियर है गाइस तो वर्क डन का यहां पे वैल्यू क्या आएगी इट बी दिस प्लस दिस टू प्लस एट फियर अच्छा एटीएम दे रखा था वॉल्यूम लीटर में दे रखा था तो वर्क डन भी लीटर एटमोसफियर में ही आएगा एक और चीज बच्चों एक तो ये इंपॉर्टेंट था दूसरा ये था कि किस टाइप का वर्कडन है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन गाइज वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वॉल्यूम तुम्हारा मास से 7.5 बढ़ा एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होता है डोंट मेक दैट मिस्टेक गाइस क्लियर है यहां तक कोई डाउट अब वर्क डन आ गया डेल्टा यू डेल्टा यू क्या होता है बच्चों इट इज एन एनसीवी डेल्टा टी हां है ना अब गाइस ध्यान से देखो पे अटेंशन हमें टी वन टी टू नहीं दे रखा हमें क्या दे रखा है वी आर गिवन प्रेशर वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम फाइनल क्लियर है गाइस तो हमारा डेल्टा डी इज नॉट गिवन क्लियर है गाइस तो देखो एन सी वी इज बेसिकली मैं लिख देता हूं मोनोटॉमिक दे रखा था ना बच्चों एन वन था बाय द वे n वाज वन सी वी इज थ्री बाय टू आर क्लियर है बच्चों आई मीन डू यू रियलाइज मैं ये काम करता हूं n को अभी लिख नहीं रहा मैं इसको एन आर डेल्टा टी लिखता हूं क्लियर है गाइस n वन है वी नो दैट बट आई एम राइटिंग इट डाउन लाइक दिस क्या मैं एन डेल्टा टी को टू वी टू माइनस पी वन वी वन लिख सकता हूं मतलब एनआर डेल्टा टी एग्जैक्टली हमारा क्या था एनआर डेल्टा टी वॉज एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन ये हमारा हो गया पी वी फाइनल और ये हमारा हो गया पी वी इनिशियल समझे या नहीं समझे गाइस सो डू यू रियलाइज ये हमारा एक्चुअली बन जाएगा थ्री बाय टू पी टू वी टू माइनस पी वन यू एन और पी टू वी टू पी वन यू एन तो हमें दे रखा है दिस इज पी वी फाइनल दिस इज पी वी इनिशियल समझे या नहीं समझे गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट आई होप दिस इज क्लियर टू यू फाइन गाइस अच्छा हैव सिंपली रिटर्न इट डाउन लाइक दिस टू हम क्या करते हैं गाइस सीवी को हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं देखते जाओ गाइस डेल्टा यू ये तो मैंने कर दिया एन सी वी डेल्टा डी ये होता है एना बच्चों एंड कैन वी राइट दिस डाउन लाइक दिस और नॉट सी वी को क्या लिखते हैं अभी मैंने तो बताया था, और नीचे गामा माइनस वन और क्योंकि हमें मोनोटॉमिक गैस दे रखी है उसके लिए गामा क्या होता है बच्चों यू मस्ट रिमेंबर इज मोनाटोमिक्लीर है, so, like है, है. समझ आया है नहीं आया बच्चों क्लियर और नॉट गाय समझे या नहीं समझे बच्चों अब डेल्टा यू भी हमारा निकल चुका है डब्ल्यू भी हमने निकाल दिया फ्रॉम ग्राफ क्यू आ जाएगा हमारा बच्चों एक चीज का ध्यान देना जैसे मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे क्यू हमें किस में पूछा गया था गाइस क्यू कहीं लिखा हुआ लीटर एटमोस्फियर में बच्चों तो इंपॉर्टेंट चीज गाय की वैल्यू हम अगर यहाँ पे आर लगा रहे होते तो क्या ले रहे होते गायस एटमोसफियर वाला उठा रहे होते यहां पे वैसे फर्क नहीं पड़ता इसमें जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पी वी इज ऑलरेडी इन करेक्ट यूनिट्स लीटर एटमोसफियर ही ले रहे मतलब यहां से जो वर्क डन आया था वो भी हमारा लीटर एटमोसफियर में आया और हमने ये जो फॉर्मूला लगाया इससे जो डेल्टा यू आया वो भी लीटर एटमोसफियर में आया तो जो हमारा क्यू आएगा वो भी करेक्ट यूनिट्स लीटर एटमोसफियर में ही आएगा बच्चे समझ में आया नहीं आया गाइस क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को गुड ओके बच्चे वन सेकेंड गाइस